नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार को आगामी चुनाव के मद्देनजर आलाकमान ने त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड का प्रभार सौंपा है, जिसको लेकर बिरसा नगर में डॉक्टर अजय कुमार के समर्थकों ने लड्डू वितरण कर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी ने तीन राज्यों के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें प्रभारी नियुक्त किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन तीन राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें यह प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर में SP रहते हुए अपराध पर अंकुश लगाने में सफलता पाए थे। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक तंत्र को छोड़ कॉरपोरेट जगत में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने टाटा मोटर्स सहित विभिन्न कंपनियों में उच्च पद पर आसीन हुए, लेकिन उन्होंने इसे भी छोड़ राजनीति में कदम रखा। वे 2011 में झारखंड विकास मोर्चा से जमशेदपुर सांसद का चुनाव लड़े, जिसमें भारी बहुमत हासिल करते हुए अन्य दलों के जमानत जब्त करा दी थी। लेकिन 2014 में कांग्रेस से चुनाव लड़े, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी में अपना योगदान दिया, लेकिन उन्हें यह रास नहीं आई और दोबारा उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। इस बार आलाकमान ने राष्ट्रीय प्रवक्ता की कमान सौंपी है, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड के लिए प्रभारी घोषित किया है। कयास लगाया जा रहा है कि डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में इन तीन राज्यों में कांग्रेस सफलता के झंडे लहरा सकेगा। डॉक्टर अजय कुमार को तीन राज्यों के प्रभारी घोषित किए जाने की खुशी में बिरसा नगर के आस्था सिटी काली मंदिर के समीप उनके समर्थकों ने क्षेत्र के लोगों और राहगीरों के बीच लड्डू वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। आज हम लोग लड्डू का वितरण कर रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार सर को आज तीन स्टेट का प्रभारी बनाया गया है, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा, जो कि 2023 में वहाँ चुनाव है, तो उनको प्रभारी बनाया गया है। उसी खुशी में आज हम लोग लड्डू बांट रहे हैं और हम लोग उनको बहुत बहुत बधाई, डॉक्टर अजय कुमार सर को शुभकामनाएं देते हैं नई पारी के लिए, और बहुत जल्द झारखंड का भी उनको कमान मिलेगा और 2024 में चुनाव एकदम फिक्स है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं 2024 में जमशेदपुर झारखंड से। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।